सो हाय, वेलकम टू द कंप्यूटर माइंड। तो आज ये तीसरा ट्यूटोरियल है, इसमें हम आपको काले लिनक्स को कैसे सेटअप करना है वो सिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप काले लिनक्स को इंस्टॉल कर लेंगे और पावर ऑन करेंगे कंप्यूटर का, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको इसे कहा जाता है टर्मिनल। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है, ये फाइल मैनेजर है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, सेटिंग्स है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ये वेब ब्राउज़र है जो कि सफारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपली टर्मिनल में जाना होगा। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अभी साइज़ बड़ा कर लिया हमने। अभी हमको वाईफाई कनेक्शन चाहिए इंटरनेट के लिए, क्योंकि हम इसे अपडेट करने वाले और अपग्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। हमने ऑलरेडी वाईफाई में क्लिक कर दिया है, मतलब कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी वाईफाई कनेक्ट क्लिक करना, बस कनेक्ट करना, बहुत आसान है। तो अभी आपको पहले इंटरनेट चेक करना पड़ेगा कि आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो चल रहा है या नहीं। इसलिए आपको पिंग PING पिंग, उसके बाद कोई भी वेबसाइट का नाम देना होगा, जैसे हम दे रहे हैं google.com। उसके बाद एंटर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे डाटा आएंगे, सिर्फ एक नहीं दो तीन आएंगे, मतलब आपका नेटवर्क काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, मतलब आपको एक बार रिस्टार्ट करना होगा या फिर वाईफाई देखना होगा, आपका कनेक्शन देखना होगा। उसके बाद आप CTRL+X दबाइए या फिर CTRL+Z, तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है सेटअप के लिए, अभी आपको APT GET update पे लिखना है। यहाँ पर लिखना है APT-GET, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद अपडेट, उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, दो प्रॉब्लम बहुत ही पॉपुलर है। एक है रिपोजिटरी प्रॉब्लम, sources.list फाइल में जो रिपोजिटरी होते हैं वो गलत हो जाते हैं या फिर वैलिड नहीं होते। तो कैसे ठीक करते हैं ये प्रॉब्लम अगर आपका अपडेट ना ले। तो सबसे पहले सॉल्यूशन वन है कि आपको ये लिखना होगा कमेंट में, नैनो, उसके बाद ETC, उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ETC/APT/SOURCES.LIST, उसके बाद एंटर पे क्लिक करना होगा, तो ये चीज़ आ जाएगा। तो आपको देखना होगा कि आपके पास dev/SRC ये दोनों चीज़ें है या नहीं। यहाँ पर लिंक कुछ और हो सकता है, मतलब HTTP से लेके काली तक कुछ और हो सकता है, बट dev/SRC और काली रोलिंग से लेके बाकी सब एक होना चाहिए। अभी अगर आपका नहीं काम कर रहा है फिर भी, अगर सेम है फिर भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आप अपने ब्राउज़र पे चाहिए। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आप यहाँ पर ये वाली वेबसाइट एंटर कीजिए, https://kali.org, उसके बाद /redmi, उसके बाद redmi के बाद .mirrorlist, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाके काली मिरर लिस्ट लिखना तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 13 या फिर कुछ लिंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको HTTP से लेके काली तक कॉपी करना है, बाकी जो /redmi है इसको निकाल देना है, मतलब इसको छोड़ देना है। बाकी पूरा लिंक कॉपी करने के बाद आपको वहीं पे जाना होगा टर्मिनल पे, और उसके बाद यहाँ से H से लेके I तक, मतलब ये पूरा लिंक आपको रिप्लेस करना होगा, जो लिंक आपने कॉपी किया वही लिंक सेम इसमें भी करना होगा, सेम लिंक करना होगा, क्योंकि इस दोनों में सेम ही लिंक होता है। तो आपको इस काली से लेके H तक रिप्लेस करना होगा। उसके बाद आपको कंट्रोल O दबाना होगा, उसके बाद एंटर, मतलब सेव हो गया, उसके बाद कंट्रोल X, मतलब एग्जिट। अब आप क्या करेंगे, APT GET update पे क्लिक करेंगे, अब देखना आपका काम करेगा। अगर अभी भी नहीं करता तो सॉल्यूशन नंबर दो है कि आपको टाइम जोन सही से सिलेक्ट करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है और अगर इस सॉल्यूशन से भी आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं दूसरा सॉल्यूशन बता दूंगा। तो उसके बाद आपको उसके बाद आपको देना है APT GET, ये चीज़ सेम रहेगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अपग्रेड, UPGRADE अपग्रेड, उसके बाद एंटर क्लिक करना होगा। तो कुछ ऐसा आएगा, मेरा ऑलरेडी अपग्रेड हो गया है, आपका अपग्रेड होगा। इसमें बहुत टाइम लगता है और डाटा भी लगता है और स्पीड भी होना चाहिए, कम से कम 2 GB इंटरनेट इसमें लग जाता है। तो आपको वैलिड 1 से 2 GB डाटा पैक लेना होगा और उसका स्पीड भी अच्छा हो। यहाँ तक आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है।
और अगर एपीटी किट अपग्रेड में कुछ एरर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सोल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एरर होते हैं, बट उसके सोल्यूशन आपको सिंपली क्या करना है देखिए, अगर मैंने नहीं दिखाया फिर भी आपको जो एरर वाला लाइन है उसको कॉपी करके सिंपली गूगल पे जाके पेस्ट करने के बाद सर्च करना होगा, और वहाँ पर बहुत सारे फॉरम होते हैं उसमें सॉल्यूशन दिया गया है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ये पूरा सेटअप हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काली के कुछ बेसिक्स कमांड क्या होते हैं, मतलब ये जो हम कर रहे थे एपीटी गेट अपग्रेड क्या है, या फिर नैनो क्या है, या फिर ईटीसी फाइल क्या है, या फिर सोर्सेस डॉट लिस्ट में जो रिपोजिटरी होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिंक क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में सीखेंगे और कुछ बेसिक्स कमांड भी देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, सो बाय बाय।